हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप पीछे वॉच देख सकते हो, उसमें बजे हैं सुबह के 9 या अभी 9 बज रहे हैं। और मेरे घर की हालत, मेरे बेडरूम की ये हालत हो रखी है। वहाँ पर आयरन रखी थी क्योंकि मुझे कुछ दिनों का हेल्थ इशू है, जो कि आप जानते हो जो चल रहा है अभी, तो उस वजह से मैंने उसके कपड़े आयरन नहीं कर पाए थे। तो अब जाके मैंने अभी तुरंत ही आयरन किया और उसको तुरंत ही यूनिफॉर्म पहनाया, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। वरना मेरा रूटीन तो यही रहता है कि मैं रात को ही सारे कपड़े और उसकी सारी चीज़ें लगा कर रख देती हूँ, लंच बॉक्स, शूज़, यूनिफॉर्म, सब कुछ। तो लेकिन कल रात को नहीं हो पाया, थोड़ा सा हेल्थ इशू है इस वजह से, तो वो रखना है। ये देखो टॉवल ऐसे ही पड़े हैं गीले, तो इनको मैं बाहर डाल दूँगी और बेडरूम वगैरह सही करूँगी यहाँ पे। एंड सब्जियाँ वगैरह मैं सोच रही हूँ काट दूँ, उसके बाद मैं शावर ले लूँ, क्योंकि आज किसी को जल्दी है नहीं, हस्बैंड घर पे ही है, आज उनको जाना भी नहीं है। तो बस उसके बाद मैं शावर वगैरह लेके उसके बाद फिर मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आदत होती है ना, हैबिट होती है, एक सुबह के शावर नहीं लो तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस मैं शावर ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे का रूटीन स्टार्ट करूँगी। एंड मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा डल हो रखा है, तो मैं सोच रही हूँ अपने फेस के लिए कुछ करूँ, क्योंकि आज मैंने शावर भी नहीं लिया है, तो आज एक अच्छा मौका है कि मैं अपने फेस के लिए कुछ कर सकूँ। एंड ये फेस पैक मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो चलो बताती हूँ ये तीन चीज़ों से कैसे बनता है। इसमें ली है 1 चम्मच कॉफ़ी, कुछ मैंने ली है टी ट्री एसेंशियल ऑयल की बूंदें और एलोवेरा जेल। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को और फेस पर अपने अप्लाई कर लेंगे। ये बहुत ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए इफ़ेक्टिव है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10:30 का और मैं शावल लेके आई हूँ। श्रेय जा चुका है अपने स्कूल और यहाँ पर मैं होने लगी हूँ रेडी, क्योंकि उसके जाने के बाद से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कहा वो वाला व्लॉग जो मॉर्निंग वाला है वो बहुत से लोग देखते हैं, मिड मॉर्निंग वाला व्लॉग दिखाती हूँ आज। तो बस मैंने हेयर वॉश किए थे अच्छे से ड्राई करके और हाफ बालों में इस तरीके से अपर क्लैचर लगा दिया और बस सीधे ही किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि किचन में भी टाइम हो रहा था। रेडी होते साड़ी वगैरह वेयर करी तो आधा घंटा मुझे लग जाता है रेडी होते होते। और उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ सीधी, कुछ प्रिपरेशन तो मैं करके ही गई थी। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ आज दलिया, और दलिया बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मेरे बेटे को श्रेय को बहुत पसंद आता है उसको दलिया। तो हमारे वहाँ यूपी में ना दलिया को अच्छे से भून के घी में और पानी डाल देते हैं, और इसको ना मैं थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से पका ली हूँ पानी में ही, और अच्छे से पक जाए, इसके बाद फिर इसको दूध के साथ खाते बहुत टेस्टी लगता है। मीनवाइल्स और भी कुछ सब्जियां की प्रिपरेशन करनी थी तो बस मैं वो कर लेती हूँ। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ भिंडी और तुरई की सब्जी, और सबके साथ जाएगा दही, क्योंकि दही तो अब गर्मी आ गई है, दही स्टार्ट हो ही गया है सभी लोगों के घर में। वैसे यूपी में गर्मियाँ देर में आती हैं, बट इस साल पता नहीं क्यों गर्मियाँ जल्दी आ गई, तो फिर दही स्टार्ट करना ही पड़ा, क्योंकि दूध है ना कोई पीता नहीं है, तो फिर मैं दूध का दही जमा देती हूँ ताकि सब लोग दही तो खा सकें एटलीस्ट। और यहाँ पर मैंने ये देख ली भिंडी तुरई को चॉप करके और पहले भून लिया, उसके बाद मैं मसाले में डालती हूँ। और भिंडी तुरई कि कौन कौन घर में भिंडी तुरई मिक्स बनाते हैं मुझे बताइएगा। मुझे ना मिक्स वाली सब्ज़ी भिंडी तुरई की बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है, अकेली तुरई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती या अकेली भिंडी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मिक्स बहुत अच्छी लगती। उसके बाद सब्ज़ी पक रही थी तो बस यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी और बाकी की जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि सब्जियाँ चॉप करना, धनिया काटना और किचन में जो भी सामान फैला है वो समेट के रखना, वो तो फिर होता ही जाता है।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चपातियाँ अपने हस्बैंड के लिए, तो वो बैठे हैं मेरे पास में, तो बस मैं उनको देती जाऊँगी। और पापा जी को मैंने पहले ही दे दिया है और अब ये आ गए हैं तो मैं इनको दूँगी, उसके बाद हम सब लोग भी बना के इकट्ठी अपनी अपनी खा लेंगे। और अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो एसी कूलर चलेगा, तो अब कुछ दिनों बाद रूम में ही खाना, लंच डिनर सब कुछ रूम में होगा। अभी कुछ दिनों बोले थे बाहर इंजॉय कर लेता हूँ, फिर तो बिना एसी के खाना नहीं खाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं भी अपना खाना लेके आ गई हूँ और मैं रूम में करूँगी आराम से बैठ के और देखूँगी टीवी। सो मैं टीवी देखूँगी आराम से बैठ के और लंच करूँगी, क्योंकि मुझे खाली खाली पता नहीं कैसा लगता है, या तो फिर मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती जाती हूँ या यूट्यूब चलाती हूँ या तो फिर मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ। पिंजरा तोड़ के उड़ जाना, मेरे रिमोट के सेल खत्म हो गए हैं। किचन अभी ऐसा ही पड़ा है, मैं पहले खा लूँगी उसके बाद मैं किचन साफ करूँगी। किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, ये देखिए ये फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर दोनों ही मैंने साफ़ कर दिए हैं। और लंच भी हो चुका है हम लोगों का कंप्लीट, और अब चलो मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ आपसे बात करनी है जो कि मेरे मन में है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, उसके बाद मुझे पता चला कि वीडियो बंद ही था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऑन करके रख देती हूँ, दूर रखा हुआ होता है कैमरा तो मुझे दिखता नहीं है रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर वीडियो बना ही नहीं मेरा। सडनली मैंने देखा तो वीडियो बंद पड़ा हुआ था कब से, तो फिर मैंने वापस से ऑन किया और मैंने कहा चलो जितना काम है वही शूट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मेरी हैबिट है कपड़े वगैरह वॉश करके और सारी जगह है वो साफ़ करके काम निपटा निपटा कर और सीधे अपने रूम में पहुंच जाती हूँ। और किचन भी सब कुछ व्यवस्थित है, पूरा घर व्यवस्थित है। और रूम में आके जिस दिन भी मैं हेयर वॉश करती हूँ, ये तो मैं ज़रूर करती हूँ, इससे ना आपकी हेयर ग्रोथ भी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस भी बढ़ता है। मसाज करते करते बालों को पूरे मुंह से नीचे ले आइए और ऐसे ऐसे मसाज कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके बाल भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगी उनकी। और बातों ही बातों में हस्बैंड आ गए थे जब मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी अपने हाथ पैर में, क्योंकि वो खाना खा के कुछ काम से बाहर चले गए थे। और अब बस वो सो जाएंगे या वो उनको दोबारा जाना होगा तो वो रेडी होके चले जाएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ आराम से बात करती हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं और मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री हुई हूँ, अब मैं आपके साथ बात करूँ, तो मैं वही मैं आपसे बातचीत करना चाहती थी कि मैं अभी लंच कर रही थी तो यहाँ पर मैंने मोबाइल यूज़ किया। मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे स्क्रोल अप करती हूँ, मुझे एक वीडियो मिला इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, और ये एक रियलिटी शो है, यू नो वेरी वेल राइट। तो इसमें ना एक एक्ट था जहाँ पर बहुत सारी वुमन्स, आई थिंक 10 to 12-15 जितनी कोई वुमन्स थी, और उन्होंने डांस एक्ट शो किया था अपना, उस एक्ट में वुमन्स के बारे में बताया। वो एक्ट इतना मुझे अच्छा लगा देखकर, मतलब औरतें इतना जोश में आके, मतलब डांस तो कर ही रही थी साथ ही साथ उनकी जो बॉडी है और उनका जो उनके जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत अच्छे से दिख रहे थे। सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो चीज़ जो है वो मेरे दिल को छू गई, मुझे इतना पसंद आया वो डांस। मैंने 2 बार देखा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी मिलके, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो उसमें ना एक स्टेटमेंट जो जजेस ने दिया था उन लोगों को, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम औरतों को कली समझने की भूल मत करो, हम औरतों को कली समझने की भूल मत करो, क्योंकि हम ज़रूरत पड़ने पर काली का भी रूप धारण कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए है जो भी राक्षस, जो भी दरिंदे औरतों को बुरी नज़र से देखते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और कई सारी औरतों को अच्छा मोटिवेशन भी मिला होगा। एक्चुअली मैंने वुमेंस डे पे एक वीडियो भी मैंने डाला था जिसमें मैंने बताया था स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के 7 टिप्स, और वो टिप्स बड़े ही काम के, आपको एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, रियली सभी हाउसवाइफ को आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत काम की बातें हैं उसमें।
अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। ओके, तो व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो मैं व्लॉग को स्टॉप करना चाहूँगी, लेकिन स्टॉप करने से पहले आज से मैंने सोचा है कि मैं अपने जो भी मुझे अच्छा सपोर्ट करेंगे, अच्छे मेरी वीडियोस लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे हर एक ब्लॉग्स में, उनके यहाँ पर मैं नेम लूँगी विद स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर मैं आज दो लोगों के नाम लेना चाहती हूँ, एंड वो है नंबर वन विशाल वेदांत जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड टाइम। एंड सेकेंड है शिखा तिवारी जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। ओके, व्लॉग यहीं पर स्टॉप करते हैं, नए व्लॉग में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।